For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. दबंग 3 को लेकर फैंस के मन में काफी एक्साइटमेंट है। जी हाँ, एक लंबे अरसे बाद भाईजान को चुलबुल पांडे के रूप में देखने के लिए फैंस बेताब हो रहे हैं। वाले इस इंतजार को आसान बनाने के लिए मेकर्स ने किया है एक बड़ा अनाउंसमेंट। जी हाँ, दबंग 3 की रिलीज के 2 महीने पहले ही लॉन्च होगा दबंग 3 का ट्रेलर, और वो भी एक नहीं बल्कि दो भाषाओं में। इस बात पर रोशनी डालते हुए फिल्म के विलन किच्चा सुदीप ने कहा कि सलमान खान ने खुद इस फिल्म का कन्नड़ा वर्जन का ट्रेलर की डबिंग खत्म की है, और अब ये ट्रेलर हिंदी और कन्नड़ा में 24 अक्टूबर को अनवील होगा। वेल, इस ट्रेलर के लॉन्च के अगले ही दिन अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 रिलीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि दबंग 3 का ट्रेलर अक्की की फिल्म के साथ अटैच होगा, यानी कि बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी की फिल्म के साथ अटैच होगा बॉक्स ऑफिस के सुल्तान का ट्रेलर। इससे ज्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता। तो दबंग 3 के ट्रेलर के बारे में ये खास खबर सुनकर आपको कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. देखते ही देखते कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 13 अपने दूसरे हफ्ते को भी पार कर गया, और अब बारी आई शो के दूसरे वीकेंड का वार सेगमेंट की। पिछले हफ्ते हमने एक्स कंटेस्टेंट हिना खान को शो के वीकेंड का वार सेगमेंट पर देखा, और हिना और सलमान की सेल्फीज ने हम सबका दिल जीत लिया। और अब एक हफ्ते बाद बारी आई है शो के दूसरे वीकेंड का वार सेगमेंट की, और ढेर सारे टेंशन के बीच शो पर हंसी का माहौल बनाने आ रहे हैं सुनील ग्रोवर और हर्ष लिम्बाचिया। जी हाँ, सुनील ग्रोवर फिल्म भारत में सलमान खान के को स्टार रह चुके हैं, और छोटे पर्दे पर भी उनकी कॉमेडी काफी फेमस है। पहले द कपिल शर्मा शो का हिस्सा रह चुके सुनील ने कानपुर वाले खुराना शो में भी काम किया था, और अब कई महीनों बाद बिग बॉस 13 के स्टेज पर वो सलमान खान के साथ रीयूनाइट होने वाले हैं। हर्ष लिम्बाचिया की बात करें तो वो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं जिन्होंने कॉमेडी क्वीन भारती सिंह से शादी की थी। हर्ष इन दिनों अपने कॉमेडी शो खतरा 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 में बिजी हैं, और वो भी सुनील के साथ बिग बॉस 13 के मंच पर आने वाले हैं। तो सलमान खान के बिग बॉस 13 वीकेंड का वार सेगमेंट में इतनी एंटरटेनिंग पर्सनालिटीज को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें जरूर बताएं। For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. अक्टूबर का महीना सभी मूवी बफ्स के लिए काफी धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि इस महीने हर हफ्ते कोई ना कोई खास फिल्म जो रिलीज हो रही है। इंटरेस्टिंग मूवीज की इस लिस्ट में अब राजकुमार राव और मोनी रॉय की अगली फिल्म मेड इन चाइना भी है, जो 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ऐसे क्रिटिकल दौर में फिल्म की लीडिंग जोड़ी हर मंच पर अपनी फिल्म को प्रमोट करती नजर आ रही है। वेल, प्रमोशन के इसी सिलसिले में राजकुमार और मोनी पहुंचे डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 के मंच पर, जहां दोनों ने कंटेस्टेंट्स के साथ जमकर मस्ती की। अपनी फिल्म को प्रमोट करने के साथ साथ इन दोनों ने पॉपुलर ओढ़नी गाने पर एक रॉकिंग परफॉर्मेंस भी दिया, जो कि इस एपिसोड का हाईलाइट होगा। माय माय, मिरर वर्क वाले लहंगे में छोटे पर्दे की नागिन ने तो हमें मोह लिया है। वही राजकुमार ने भी अपने ट्रेडिशनल लुक से सभी का दिल जीत लिया है। फिल्म मेड इन चाइना की बात करें तो ये फिल्म एक गुजराती बिजनेसमैन की कहानी है, जो कि चाइना जाकर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। इस फिल्म के ट्रेलर ने तो पहले ही सभी का दिल जीत लिया है, और अब मौनी और राजकुमार राव के डांस मूव्स ने हम सभी को इम्प्रेस कर दिया है। तो आपको राजकुमार राव और मौनी रॉय की ये जोड़ी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। जी ऑफ कोर्स, आई थिंक हमारे सिनेमा जगत की जो लेजेंड है, गॉड ब्लेस हिम विद अ लॉन्गर लाइफ एंड इवन मोर वर्क, आई थिंक हर एक्टर के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड और मैटर ऑफ ऑनर है। आई एम वेरी लकी कि मैंने उनके साथ एक से ज़्यादा फिल्में की, बट इवन टू बी इन अ फिल्म विद हिम वंस इज अ माइल स्टोन, एक मील का पत्थर है अपने जर्नी में। तो ही वॉज विशिंग द वन एंड ओनली लेजेंडरी बच्चन साहब ग्रेट हेल्थ, and it's lovely to see him doing so much work, continuing to inspire all of us. Sir, बस रियली रियली एक्साइटेड अबाउट अभिनंदन।
I think the story of Balakot, the story of the Indian Air Force, we're very, very proud of the Indian Air Force. I think the idea is every now and then, जैसे अमेरिका में जब टॉप गन आती है तो एक पूरा जनरेशन इंस्पायर होता है अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ देखकर. ये एक ऐसा मौका है, मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना फिनोमिनली, वी शुड बी सो प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग. उस कहानी को, उस इंस्पिरेशन को लाखों बच्चों तक पहुँचाना है, ताकि दिल से जब वो हमारे फोर्सेस के, हमारे यूनिफॉर्म में किसी जवान को, किसी पायलट को, किसी एयरमैन को देखें, तो हर बच्चा अपने आप दिल से उसे सल्यूट करे. यही मकसद. आपने कितना रिसर्च किया? रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन. बहुत रिसर्च चल रहा है, अभी भी चल रहा है. थैंक यू. जय हिंद. अपने गुड लुक्स और अमेजिंग फिजिक के चलते सभी ने ऋतिक रोशन को बॉलीवुड के ग्रीक गॉड का खिताब दिया था, लेकिन उनकी फिल्म सुपर 30 में उन्होंने पहली बार अपने ग्लैन अवतार को बाय बाय कहकर एक कॉमन मैन के हाव भाव को अपनाया. सुपर 30 में ऋतिक रोशन का लुक काफी कन्विंसिंग रहा और फैंस उनके इस लुक से इम्प्रेस भी हुए. मगर फिल्म की शूटिंग के तुरंत बाद ऋतिक ने यशराज फिल्म्स की एक्शन थ्रिलर वॉर की शूटिंग किक स्टार्ट की. इस फिल्म में हमारे ग्रीक गॉड को अपने एप्स फ्लॉन करने पड़ी और उन्होंने अपने कैरेक्टर में आने के लिए काफी मेहनत भी की. हालांकि ऋतिक के पास बस एक ही महीना था, लेकिन उन्होंने दिलो जान लगा दी और बीच में दो तीन बार स्लिप डिस्क होने के बाद भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और आज जो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है, ऋतिक की मेहनत सफल हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्लिप भी शेयर किया, जिसे देखकर सभी को उनकी मेहनत और कोशिशों का पता चला. इस क्लिप में ऋतिक कहते हैं, लिटिल बिट ऑफ होप, लिटिल बिट ऑफ फियर एंड सी व्हाट हैपेंस. वेल, इस वीडियो के वायरल होते ही फैंस ने ऋतिक पर कमेंट्स की बरसात कर दी. फैंस ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई और सेलिब्रिटीज ने भी सोशल मीडिया पर ऋतिक की तारीफ की. ऋतिक के साथ बैंग बैंग में काम कर चुकी कटरीना कैफ ने भी उनकी तारीफ करते हुए लिखा, आउटस्टैंडिंग. फिल्म वॉर में ऋतिक के स्टूडेंट का रोल निभाने वाले टाइगर श्रॉफ ने भी उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए लिखा, सर बड़े होके आपकी तरह बनना है. तो ऋतिक रोशन के इस इम्प्रेसिव वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं. बाय शर्मा सर. चलिए 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 प्लीज. ये रिक्शा आगे ले, रिक्शा साइड हो जा, साइड हो जा. हालांकि
कि इसी साल दिसंबर में सलमान खान की फिल्म दबंग 3 आने वाली है, लेकिन फिर भी फैंस के मन में उनके E2020 वाले प्रोजेक्ट को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है। आखिर क्यों ना हो, पहले सलमान खान संजय लीला भंसाली की इंशाल्लाह जो करने वाले थे, लेकिन अफसोस दोनों के बीच बात नहीं बनी और ये प्रोजेक्ट टैंक हो गया। और अब फैंस सलमान के अगले मूव का बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे कि उड़ती हुई खबरें आने लगी कि सलमान खान एक बार फिर प्रभु देवा के साथ हाथ मिलाने वाले हैं और उनकी अगली फिल्म का टाइटल होगा राधे। मगर इस बात को खुद सलमान खान ने नकारा है, पर साथ ही उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वो जल्द ही प्रभु देवा के साथ एक और फिल्म पर काम करने वाली है। ऐसे में सभी के मन में कई सवाल उठे, आखिर क्या होगा सलमान का अगला मूव। और तब पैप्स ने सलमान और प्रभु देवा को सोहेल खान के ऑफिस के पास देखा, जिसके चलते सभी को लगने लगा कि ये दोनों सोहेल खान की फिल्म के लिए कोलैबोरेट करेंगे। इसी दौरान एक लीडिंग डेली ने कंफर्म किया कि सोहेल खान ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के जरिए इंडिया मोस्ट वॉन्टेड कॉप राधे का टाइटल रजिस्टर कर लिया। सूत्रों के अनुसार ये कोरियन फिल्म द आउटलॉज का रीमेक होगी, जहाँ एक पुलिस वाले को अंडरवर्ल्ड गैंग बॉस का खात्मा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। वेल, अब तो कड़ियाँ जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है और हम सबको अब बस सही समय का इंतजार है, जब भाईजान ये बड़ी खबर खुद अपने फैंस के साथ शेयर करेंगे। तो आप इस कोलैबोरेशन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें जरूर बताएं।